जैसे आप जान चुके होंगे कि कर्नाटक के इलेक्शंस डिक्लेयर हो चुके हैं, 10 मई को पोलिंग होगी और 13 मई को इसका काउंटिंग होगा। आपको यही बताना चाहता हूँ मैं कि हर जो बाशिंदा है, हर जो सिटीज़न है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम वोट करें और अपना वोट का इस्तेमाल करके पार्टी को पावर में लेके आए। जो पार्टी लोगों के काम करती है, जो लोगों के साथ में है, आज के हिसाब में अगर आप देखने जाएंगे तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है जो हर इंसान के साथ खड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी ही है जो संविधान के साथ खड़ी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी यही है कि जो जात पात, ऊंच नीच, भाषा, ये कुछ भी नहीं देखती, सिर्फ देश की भलाई, देश की तरक्की, लोगों की अमन और शांति और लोगों के कैसे काम करना लोगों के लिए, यही कांग्रेस पार्टी का मकसद है। तो मेरा सबसे दरखास्त है कि ज़रूर अपना वोट कास्ट कीजिए, कांग्रेस पार्टी के लिए कीजिए। कितने सीट जीत सकती है इस बार? इस बार कांग्रेस की लहर चल रही है और पूरे स्टेट में कम से कम 140 से 150 सीट जीतने की उम्मीद है इंशाल्लाह। कांग्रेस गारंटी का जो ऐलान किया गया उसका कुछ फर्क है? काफ़ी फर्क पड़ रहा है उसका, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने स्टडी की है, जो हमारे डिपार्टमेंट है पार्टी में, कि लोगों को महंगाई से तकलीफ हो रही है, इलेक्ट्रिक बिल नहीं बढ़ सक रहे हैं, अनाज, तेल, पेट्रोल, गैस, ये सब महंगा हो चुका है और इसके लिए कंपेंसेट करने के लिए हर 200 यूनिट हर महीना कांग्रेस पार्टी ये गारंटी देती है कि आपके बिल नहीं आएगी 200 यूनिट की। साथ ही साथ गृह लक्ष्मी करके जो प्रोग्राम है, घर के जो एल्डरली लेडीज़ होते हैं, जो घर के बड़े होते हैं लेडी, उनके अकाउंट में 2000 रुपया दिया जाएगा, ये गारंटी पार्टी ने दी है। और इसके ऊपर अगर आप गारंटी कार्ड देखे होंगे तो सिद्धरामैया की साइन, सबकी भी साइन है और हमारे पार्टी के अध्यक्ष डीके सुकुमार साहब की भी साइन है कि हम ये गारंटी देते हैं कि हमारी पार्टी पावर आने के साथ में आपको ये सहूलतें करके देंगे। राहुल गांधी पर जो कार्रवाई की गई उसका भी संपत्ति वोट हासिल हो सकता है? राहुल गांधी पे जो आज हरकत हुई है ये गैर कानूनी है। अगर केस कब हुआ, कभी जाके हाईकोर्ट में कंप्लेंट एंड स्टे लिया, कभी जाके उसको वापस लेके आया और ऐसे मामले में 2 साल की सजा देना, ये आज तक हुआ नहीं है। जो उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा क्या कि ललित मोदी चोर है, नीरव मोदी चोर है, यही कहा उसने, उसके लिए उनके ऊपर केस डाला गया है। इसका सिंपति बेनिफिट तो होगा, कार्रवाई लोगों की नज़र में ऐसा है कि जुल्म किया गया है। जुल्म तो सिर्फ राहुल गांधी के ऊपर ही नहीं, जुल्म हर इंसान पे हो रहा है आज। जो भी बीजेपी के खिलाफ बात कर रहा है उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, आप देखते आए होंगे। दिल्ली के मनीष सिसोदिया से पकड़ के हमारे तेलंगाना की कविता है, या और भी जो अपोजिशन के हैं जो बात करते हैं उनके ऊपर केस डाल, जो भी सत्ता से सवाल पूछते हैं उनके ऊपर केस डाले जाते हैं। राहुल गांधी जी का जब वो पार्लियामेंट में बात करना चाहा तो माइक बंद कर दिया, वो स्पीकर बोलते हैं नहीं वो टेक्निकल फॉल्ट है करके। और अदानी का जो मामला उठा रहे हैं कांग्रेस के संसद और अपोजिशन के संसद पार्लियामेंट में, उनको बात करने के मौका ही नहीं दिया जा रहा है। जो JPC का मांग की है कि कमेटी करके अदानी के पैसे कहाँ से आए, कहाँ गए, इसके बात के ऊपर भी वो
माइक्स बंद कर देते हैं, बात करने देते नहीं हैं, हंगामा करते हैं और एडजोन कर देते हैं पार्लियामेंट सेशन। बेलगाम के 18 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कांग्रेस कितनी जीत सकती है? हमारे लीडरों का तो अंदाज है कि 13 से 14 सीट हम ज़रूर जीतेंगे। और एक बार सबसे दरख्वास्त है कि अपना वोट बेकार ना जाने दीजिए, अपना वोट कीजिए, आप कांग्रेस पार्टी के लिए कीजिए और कांग्रेस पार्टी को आज पावर में लेके आइए। ये सबकी ज़रूरत है, आम इंसान की ज़रूरत है।